तो ये वाला लेक्चर का हमारा जो टॉपिक रहेगा, इसको हम कहेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। हेडिंग डालिएगा सिंपल माइक्रोस्कोप। आप सरल शब्दों में, हैंड लेंस होता है, हाथ से पकड़ के लेंस, बच्चे कागज चलाते हैं ना कई बार, वो वाला हाँ मैग्नीफायर मतलब ग्लास, हम ऐसे भी कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सिंपल मैग्निफायर। या मैग्निफाइंग ग्लास कई लोग नॉर्मली ये ज्यादा बोलते हैं, मुझे लगता है मैग्निफाइंग ग्लास। तो ये होता क्या है बच्चों, जो आपने देखा होगा, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, फोकल लेंथ तो उसकी काफी क्रमी होती है। इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। शॉर्ट फोकल लेंथ, शॉर्ट फोकल लेंथ। अच्छा ये बताओ, फोकल लेंथ कम होगी तो पावर का क्या होगा? पावर उतनी ज्यादा होगी फिर। तो पावर थोड़ी ज्यादा रखते हैं हम, ताकि वो रेज को बेंड ज्यादा कर सके। पावर ज्यादा होने का मतलब पावर क्या दिखाती है? रेस को बेंड करने की क्षमता, तो वो ज्यादा होती है। तो चलो एक बना लेते हैं। ये हमारे पास है और सपोज ये फोकल लेंथ है एफ। तो नॉर्मली बच्चों हम जब भी ऑब्जेक्ट रखेंगे ना, ऑब्जेक्ट हम फोकल लेंथ से कम दूरी पर रखते हैं इसमें, मैग्नीफाइंग ग्लास में। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास आपने हाथ में लिया और किताब पढ़ने की कोशिश करते हैं बच्चे, बड़े बड़े अक्षर देखते हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये तभी होता है जब जो ऑब्जेक्ट है वो फोकल लेंथ से कम दूरी पर होता है। मतलब वो नॉर्मली ऐसा होगा, जैसे मैंने कोई ऑब्जेक्ट है वो, ये ए है और ये बी है, ठीक तो ए से हमने एक लाइट रेज डाली ऐसे, क्योंकि थिन लेंस का कंसेप्ट है, तो लेंस के अंदर होना तो दो सरफेस पे यहां भी रिफ्रेक्शन चाहिए, लेकिन हम इग्नोर करते हैं, थिन है चलो छोड़ो, तो लाइट रेज ऐसे चले जाती है, रिफ्रेक्ट होकर ये गई, और दूसरा लाइट रेस को मैं डाल देता हूँ सीधे ऑप्टिकल सेंटर से, यहां से तो वो तो सीधे ही निकलेंगे ऐसे, तीसरा भी ऑप्टिकल सेंटर, वो भी सीधे ही। तो यहां पर ये डाइवर्स हो रही है ना, लाइट रेस क्या हो रही है इधर को निकलने के बाद डाइवर्ज डाइवर्स, तो यहां पर कोई ह्यूमन आई है, आपकी आंख इस साइड है, आपको ऐसे दिख रहा है यहां से, ये ह्यूमन आई दिख देता हूं, क्योंकि आई तो खाली ऐसी बनी है कि आदमी हंस सकता है, हम यहां से देख रहे होते हैं। अब इनको पीछे को मिलाओ, ऐसा हो जाएगा, देखो तो ये इमेज यहां बनी है, समझ में आया? एडेस पीडेस। हाँ तो बच्चों एक्चुअल में होता ऐसा है, लेंस आप लेंस को वहां पर रखते हो किताब के ऊपर, जो दूरी
फोकल लेंथ से कम होती है, तो जब आप इस साइड से देखते हो तो आपको वो बड़ा मैग्नीफाइंग दिखता है। ठीक है, ज्योमेट्रिकली, थोड़ा ज्योमेट्री करने के लिए हम ऐसा करेंगे, ये ए की हाइट हो लेते हुए ऐसे चल देंगे, तो ये ए डैश तो हो गया, ए डबल डैश हो जाएगा, एक कुछ नहीं है, केवल थोड़ा ज्योमेट्रिकली, क्योंकि निकालने के लिए अब हमें ट्राइंगल की सिमिलरिटी और ये सब लेना पड़ेगा ना तब करने के लिए। चलो उसे बाद में बना लेंगे। थोड़ा सा ये जो मैंने बनाया, जो मैंने बोला कि फोकल लेंथ से कम दूरी पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, इस बात को लिख भी लेते हैं, लिखिएगा, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इज प्लेस्ड क्लोज टू द लेंस, क्लोज टू द लेंस, क्लोज क्लोज का क्या मतलब होता है? हम ऐसे फ्री चल रहे, फोकस सेंटर ऑफ U कर्वेचर। लेस देन F, ऑब्जेक्ट की जो दूरी है U लिखते हैं ना लाइन से, तो हाँ U तो नेगेटिव हो गई, तो मॉड ऑफ U इज लेस देन F कर दो, सीधे हो गया। मानवेंद समझ में आया? सर, अच्छा ठीक है, तो हम लिखते हैं अ वर्चुअल क्या बनेगी, इरेक्टेड और वर्चुअल, अ वर्चुअल ज्यादा क्यों उलझाना है चीजों को, कॉमा इरेक्टेड एंड मैग्निफाइड इमेज एंड मैग्निफाइड इमेज, हम उस इमेज को कह रहे हैं ए डैश बी डैश इज फॉर्म, अच्छा बच्चों एक शब्द कभी तुमने सुना है, लीस्ट डिस्टेंट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव विजन, ये मैं अलग से लिख रहा हूं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव विजन, ऐसा सुना है? नहीं, ये चीज याद रखनी चाहिए, आप अगर कोई चीज साफ साफ देखना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि दूर से तो दिख नहीं रही है, मैं अपनी आंखों के पास थोड़ा नजदीक आके देखें तो साफ दिखेगी, लेकिन नजदीक भी कितना, आप अपनी किताब को जरा आंखों से चिपकाओ तो फिर देखो तो वो दिखता है नहीं। नहीं दिखेगा, थोड़ा दूर ले जाओ तो तब भी नहीं, एक प्रॉपर डिस्टेंस। अच्छा ठीक, समझ में आ गया। 25 सेंटीमीटर एक मिनिमम दूरी होनी चाहिए चीजों के लिए, तब तो आपका जो स्केल होता बड़ा वाला वो 30 सेंटीमीटर का होता है, तो अप्रोक्स इतना मान लो कि जब तक चीजें इतनी दूर होंगी तब आपको साफ दिखता है, इसीलिए बच्चे जब स्कूल में कई बार लिखते हैं अपनी कॉपियों के बहुत पास ले आते हैं आंखें, वो लंबे समय में आंखों के लिए बहुत नुकसानदायक है, आपकी कॉपी या जो भी चीज आप देख रहे हैं नॉर्मली 25 सेंटीमीटर तो मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए। मैं देखता हूँ बच्चों का चेहरा या बच्चों का सिर
या बेंचेस की हाइट बहुत सही नहीं होती बच्चों के लिए, और बहुत क्लोज हो रहा होता है, या वो अपना सर ही ऐसे रखे वहीं पर लिख भी रहे हैं तिरछा। कई बार ऐसा होता है जो लंबे समय में आपकी आंखों को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो अगर आप चीजों को बिल्कुल क्लियर और लॉन्ग टर्म के लिए अपनी आंखें सेव करना चाहते हैं, तो जिसको आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो 25 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा दूर होना चाहिए, इससे नजदीक नहीं होना चाहिए। क्या मैं समझा पाया? हाँ हाँ, ये बहुत यस जरूरी है। मतलब ठीक है फिजिक्स पढ़े, लेकिन ये तो वैसे भी जानना हो ठीक। कोई चीज आपसे दूर से नहीं पढ़ी जा रही है तो सामान्य ऐसे समझाइए किसी को कि दूर से नहीं पढ़ी जाती। हम लोग सोचते हैं कि हम नजदीक जाके पढ़ेंगे, तो नजदीक की भी लिमिट है। आप इससे नजदीक मत लाइए किताबों को अपनी आंखों से। अगर जो लोग इससे नजदीक लेके आते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, वो अपनी आंखों को बहुत तेजी से खराब कर रहे होते हैं। और स्कूल्स में कई बार ऐसा होता है, बच्चों को मालूम नहीं होता, कई बार टीचर्स भी नहीं बताते। क्या मैं समझा पाया? तो ये मैं अब इसको डिटेल नहीं समझा रहा हूँ, ये जनरल नॉलेज की चीज है बेसिकली। बहुत सारे जो पूछा जाता है इंटरव्यूज में, फिजिक्स में, वाइवा में, ऑप्टिक्स पढ़ी है तो हाँ, सबसे पहले ये सवाल पूछ लो। तो इसको जरूर याद रखना, ये फिजिक्स का टर्म एक हमारी जिंदगी में डेली रूटीन की ज्यादा जरूरत की चीज है। इसको तो सब बच्चों को बताइए, जो स्पेशली छोटे बच्चों को, उनकी आंखों पे चश्मा बहुत जल्दी लगता है ये। अब आता है मैग्निफाइंग पावर क्या है, उस पर बातचीत करते हैं। तो ऐसा करते हैं ना, ये जो मैंने डायग्राम बनाया, इसमें थोड़ा सा उसमें और दिखाना चाहूंगा आपको। ए डबल डैश से अगर मैं सीधे सेंटर को मिला देता, तो मैं ऐसे लाइन डालता नहीं, ये वाले ठीक है। अब कॉम्प्लिकेटेड हो गया, एक्चुअली ये एंगल अल्फा है, और जो ए डैश ने बनाया होगा वो एंगल बीटा होगा। ए डैश ने जो बनाया होगा, दिख रहा है आप लोगों को साफ, ये बीटा है। अरे भाई, ऑप्टिकल ये सेंटर है ना सी, हाँ मैं यहां लिख भी देता हूं, हियर एंगल ए डैश सी एफ बीटा है, एंगल ए डबल डैश सी एफ एल्फा है। आप ध्यान से खुद देख लीजिए। तो यहां से मैं मैग्निफाइंग पावर कैलकुलेट कर रहा हूं। तो मैग्निफाइंग पावर कैसे डिफाइन होती है? मैग्निफाइंग पावर, मैग्निफाइंग पावर हुई बीटा अपॉन अल्फा। अब आप कहेंगे बीटा क्या है? बीटा है एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द इमेज अपॉन, देखो तो ऐसा हो रहा है या नहीं, एंगल सबटेंडेड एट द अनएडेड आई लिख देते हैं। अनएडेड आई बाय द ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है, अगर ये अनएडेड का मतलब मैग्निफाइंग ग्लास नहीं होता तो आंख पे जो बनता है, और बीटा जो जो मैग्निफाइंग ग्लास के थ्रू देखने पे बन रही है, इडेस बीडेस। अरे भाई समझ में आया नहीं है। आया तो बच्चों अब देखो, नाउ 10 बीटा राइट एंगल ट्रायंगल देखिए, क्या मैं इसको ए डैश बी डैश, अच्छा ये दूरी तो मैंने लिखी नहीं है, ए डैश बी डैश कितना दूर है, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है तो ऊपर लिख देता हूँ। इसको लैंड से ये दूरी डी, कैपिटल डी कह देंगे इसको, ये बना लीजिएगा ए डैश बी डैश की लेंथ से दूरी, बना लिया। हाँ चलो ठीक है, तो 10 बीटा देखो ए डैश बी डैश अपॉन डी हुई है नहीं, हाँ ए डैश बी डैश अपॉन डी, डी और 10 अल्फा ए डबल डैश बी डैश अपॉन डी, तो ए डबल डैश बी डैश उतना ही हुआ जितना ए बी है, हाँ बस हो गया। अब हम क्या कहेंगे कि एंगल बहुत छोटे हैं, तो 10 बीटा बीटा 10 अल्फा अल्फा, वो तो हमने कहना ही है हर बार, अप्रोक्सीमेट है सब, सिंस अल्फा एंड बीटा आर स्मॉल एंगल्स, सो 10 अल्फा तो चले लेंगे, अल्फा बीटा ऑप्टिक्स में यही जो मजेदार है, 10 बीटा को बीटा, सो बीटा कितना आ गया फिर, ए डैश बी डैश अपॉन डी, और अल्फा आ गया AB अपॉन D. ए बी अपॉन डी। तो फिर हमने अभी मैग्नीफाइंग पावर को लिखा था ना, सो उसको हाँ एम लिख रहे हैं, सो मैग्नीफाइंग पावर हम उसको एम से दिखाएंगे, तो एम इक्वल टू बीटा अपॉन एल्फा, मतलब इसमें रखो तो एम इक्वल टू क्या आ गया, रख तो डी कट जाएगा, हाँ इतना आ जाएगा। तो वही मैग्नीफाइंग का मतलब ही होना चाहिए, इमेज ही, इमेज का साइज अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज ना, कितना मैग्नीफाइड। दिस गिव्स द लीनियर मैग्निफिकेशन, इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में लिख देता हूँ, लीनियर मैग्निफिकेशन, प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, यह हो गया। तो इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब आपने कहा कि इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, आप ऐसे भी कह सकते, दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन, इसको आप लिख सकते हो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे भी जो होता ये होता है सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास की मैग्निफिकेशन के बारे में।
और भी इसके अलावा स्टेट एक्सप्रेशन हो सकते हैं? हो सकते हैं। इट कैन बी प्रूव्ड। प्रूव्ड दैट इट इज अपॉन ए बी। एडेस विडेस इमेज है तो बी अपॉन यू प्रूव कर सकते हैं हम इसको ऐसे। एडेस विडेस अपॉन ए बी टू। अरे भाई एडेस विडेस क्या हुआ? क्या दूरी भी माइनस बी? अच्छी दूरी यहाँ से ये प्रूफ। ये तो सिंपल है, कहीं भी बेसिक ज्योमेट्री से हो जाएगा। तो मैं उसमें सीरियस नहीं हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ आप इतनी मैथमेटिकल मैच्योरिटी है, ठीक किया जा सकता है। सिंस फॉर लेंस वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन वी हो इक्वल टू वन अपॉन एफ, ठीक है वी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो वी अपॉन वी माइनस वी अपॉन यू इक्वल टू वी अपॉन एफ। तो भाई ये एम हुआ या नहीं मैग्निफिकेशन? ये जो था मैग्निफिकेशन ऊपर इक्वेशन वन ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। तो v अपॉन यू ये हो जाएगा वन माइनस एम इक्वल टू वी अपॉन एफ। तो यहां से एम इक्वल टू आपको मिलेगा वन माइनस वी अपॉन एफ। कितने सारे फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। बट जिसको माइनस वी कह रहे हैं वही तो d है। देखो तो d क्या है पूरी हाँ वही माइनस वी वही तो हुआ। दूरी हाँ तो फिर एम इक्वल टू वन प्लस डी अपॉन एम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। तो फोकल लेंथ जितनी कम होगी मैग्निफिकेशन उतना ज्यादा होगा, ये भी समझ में आ गया। क्योंकि एफ नीचे है एम इक्वल टू वन प्लस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुए ना फिर। हाँ तो नॉर्मली सिंपल मैग्निफाइंग ग्लास की कहानी है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, कुछ है नहीं इसमें करने के लिए ज्यादा। और इसमें कुछ चीजें और क्या समझा सकते हैं हम? फोकस में ही रखते ऑब्जेक्ट को तो इमेज इंफिनिटी पे बन जाएगी। एक बार और बना देता हूँ। ये है अगर मैंने फोकस पर ही ऑब्जेक्ट रखा, यही है यही ऑब्जेक्ट है ए बी और वही पॉइंट एफ भी है। और मैंने यहां से लिया और एक यहाँ से गुजारा भी इससे, तो इन दोनों ने पैरेलल हो जाना है। पीछे को भी मिलाते जाओगे तो दोनों ये पैरेलल उतना अच्छा बन नहीं रहा है। इमेज स्ट्रांग होगी
एंड इंफिनिटी। इन्फिनिटी। ये ह्यूमन आई अडर चंडी, तो ये इन्फिनिटी पे बन जाएगी। तो अब इस केस में आपके पास ये एंगल बीटा है, इफ ये भी एक टेस्ट चल लेते हैं, कभी कभी आप पूछ ले जाता है। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, देन इमेज विल बी फॉर्म, इमेज विल बी फॉर्म एट इंफिनिटी। ये फिर मैं डायरेक्ट लिखा हूं, बीटा इक्वल टू हो जाएगा अब ए बी अपॉन स्मॉल एफ फोकल लेंथ, और अल्फा ए बी अपॉन डी, यही था पिछले में भी देखो, बीटा और अल्फा ऐसे थे। हाँ तो एम क्या आ गया था, मैग्निफिकेशन बीटा अपॉन अल्फा, तो यहां से बीटा चीजों पर ए बी अपॉन एफ अपॉन ए बी अपॉन डी, दिस इंप्लाइज मैग्निफिकेशन इक्वल टू डी अपॉन एफ। तो ये कभी कभार पूछ लेते हैं, तो बहुत एलिमेंट्री चीजें हैं, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए कहीं पर। आप लोगों की जब कोई भी किताब उठाएंगे तो कुछ यहाँ पर मिलेंगे आपको, फिर दो न्यूमेरिकल छोटे छोटे कम पूछे गए हैं, लेकिन पूछे गए हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं आए। तो सिंपल माइक्रोस्कोप मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कुछ करने के लिए ज्यादा है नहीं, लेकिन यही काम दो बार कल करना पड़ेगा। अगर आज वाले में अगर आपने पेन चला दिया एक बार, तो आपको कल बहुत आराम हो जाएगा बच्चों, क्योंकि कंपाउंड पेंडुलम सॉरी माइक्रोस्कोप जब हम पढ़ेंगे तो पहले एट लेंस होगा, उसके द्वारा जो इमेज बनेगी वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और बाकी सब कुछ अल्फा बीटा वाला काम यही करना है जो आज किया है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग आज पेन जरूर चलाएंगे, इसको एक बार लिख के देखेंगे इसको अपने तरीके से, ठीक है? ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।